नमस्कार, बिहार की 25 खबरों के साथ मैं अनामिका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के जिलों के लिए शिक्षा विभाग ने जिलावार शिक्षकों की रिक्त सूची जारी की, जिसमें माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की संख्या के 11,919 पद खाली हैं, जबकि हाई स्कूल के लिए 18,101 पद खाली हैं, जिनके लिए शिक्षक नियोजन होना है। बता दें कि माध्यमिक पद के लिए पटना जिले में और हाई स्कूल में शिक्षकों के लिए गया जिले में सबसे ज्यादा खाली पदों की संख्या है। शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी अपना वेतन ले पाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि पहले भी इसके बारे में निर्देश जारी किया गया था, लेकिन अनुपालन नहीं किया गया। इसी कारण अभी तक कई शिक्षकों का वेतन लंबित है। उन्होंने कहा कि सितंबर माह का वेतन हर हाल में 1 अक्टूबर तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मैथिली हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर उषा किरण खान ने जताई अपनी खुशी। मैथिली भाषा की प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त लेखिका डॉक्टर उषा किरण खान को उनके साहित्य के लिए पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। अब उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित भरत भारती पुरस्कार देने के साथ 5 लाख की नकद राशि की घोषणा से खुश होकर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई कहती है कि बहुत ही अच्छा लगा कि यूपी वाले ने बिहार वाले को यह पुरस्कार दिया। इसके लिए हम अपने लोगों के साथ पार्टी करेंगे। बीएससीबी पटना ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के लिए 2 अहम घोषणा की, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण प्रावधान के तहत इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 25 सितंबर तक परीक्षा शुल्क एवं फॉर्म भरना है। वहीं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के लिए पेपर 1 में निर्धारित विषयों का पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर ही होगा, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 37,335 पदों पर 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट www.bsebstet2019.in पर लॉग इन कर पूरी जानकारी लेकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार के गया जिले में अत्री प्रखंड में मिली धातु की बनी प्राचीन मूर्तियां, बच्चों के गुल्ली डंडा खेलने के क्रम में बच्चों ने लगभग 1 फीट की जमीन में गहरा कर दिया, जिसके बाद किसी धातु से बनी 13 अति प्राचीन निर्मित मूर्ति निकली। इसकी सूचना वहां खेल रहे बच्चों ने ग्रामीणों को बताया तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद प्रशासन ने मूर्ति को अपने कब्जे में लेकर जाँच के लिए विभागीय पदाधिकारियों को सौंप दिया। अब मध्यम वर्ग के लोगों को भी मिलेंगे घर बनाने के लिए मदद। वित्त मंत्री सीतारमन ने अपने बड़े ऐलान में कहा है कि सरकार अब मध्यम आय वर्ग के लोगों को और सस्ते घर जो कि आधे अधूरे बने हुए होंगे उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी, जिसमें बाकी का 10,000 करोड़ रुपए की रकम दूसरे निवेशकों की तरफ से आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के लिए किफायती एवं मध्य आय के वर्गों के लिए बनाई जा रही आवासीय परियोजना को पूरा करने में मदद मिलेगी। बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 2 के छात्रों का स्पेशल एग्जाम 24 सितंबर से। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट 2 2018 की परीक्षा के लिए प्रस्तावित कॉलेजों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने स्पेशल एग्जाम लेने की घोषणा की है। यह एग्जाम 24 सितंबर से 2 पालियों में ली जाएगी, जिसके लिए साइंस व कॉमर्स की परीक्षा ANS कॉलेज में एवं आर्ट्स की परीक्षा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में की गई है, जिसके बारे में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इनमें कॉलेज के वैसे करीब 7,000 छात्र हैं जिन्होंने 2018 में रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन संस्थानों की लापरवाही से इनका भविष्य अधर में था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बिस्फी को विद्यापति जन्मस्थली पर्यटन का मिलेगा दर्जा। विद्यापति के जन्मस्थल बिस्फी को पर्यटन केंद्र के लिए प्रस्तावित कर जिला प्रशासन में भेजने की तैयारी की गई है। बता दें कि बिस्फी अंचल स्थित पूरे क्षेत्र को इलाका 1 एकड़ 8 डिसमिल है, जिसमें विद्यापति स्मारक लाइब्रेरी है, लेकिन इसके जीर्णोद्वार व सुंदरीकरण के लिए स्मारक भवन को भी विकसित करना है, जिसका खर्च 25 लाख रुपए होने की संभावना है। इस बड़े हॉल को मनोरंजन के लिए बेहतर फिल्म या वीडियो हॉल के रूप में भी विकसित करना होगा। पर नीतीश को आरे हाथ लिया तेजस्वी यादव ने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार राजनीति में कोई दूसरा घिचपिच नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री जी खुद सीएम की कुर्सी पर बैठकर घिचपिच करते हैं। इतने सालों से मुख्यमंत्री पद को संभालने के बावजूद नीतीश कुमार में इतनी शक्ति नहीं कि वो अपने दम पर अकेले कोई भी चुनाव लड़े और जीते। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी में इतनी हिम्मत है तो आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़कर दिखाएं। बिहार में मिडिल और प्लस 2 स्कूलों में निकाली गई बंपर बहाली। बिहार राज्य के माध्यमिक और प्लस 2 के कक्षाओं के लिए चल रही छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बंपर बहाली निकाली गई है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत 30,020 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही जल्द ही सभी जिलों के शिक्षकों की वैकेंसी सूची जारी कर दी जाएगी। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए सूचना के अनुसार राज्य के माध्यमिक शिक्षकों के कुल 11,919 पद खाली हैं, जबकि प्लस 2 शिक्षकों के लिए 18,101 पद खाली हैं।
अंग प्रदेश से चीन जाएगी भागलपुर रांची एक्सप्रेस। अंग प्रदेश के यात्रियों को भागलपुर रांची एक्सप्रेस से सफर करना अब महज एक सपना बनकर रह जाएगा। ट्रेन संख्या 18603/4 अक्टूबर महीने से भागलपुर रांची एक्सप्रेस भागलपुर से नहीं चलेगी। अब यह ट्रेन मुंगेर जमालपुर के रास्ते सहरसा से चलेगी। इसके लिए रेलवे ने सहरसा जमालपुर के बीच नई समय सीमा भी जारी कर दी है। जमालपुर रांची के बीच समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जमालपुर मुंगेर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद ट्रेन सहरसा से चलाई जाएगी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद अनंत सिंह की पत्नी ने दिया बयान। कामा विधायक अनंत सिंह की पत्नी ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है। मुलाकात के पश्चात मीडिया से बातचीत के दौरान अनंत सिंह की पत्नी ने कहा कि मुलाकात के बाद राज्यपाल जी ने भरोसा दिलाया है। राज्यपाल ने कहा है कि उनसे जो बन सकेगा वो जरूर करेंगे। फागू चौहान के कहे हुए बातों से मुझे भरोसा है, महामहिम मेरी मदद जरूर करेंगे। बिहार एनआरसी पर बोले तेजस्वी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनआरसी मुद्दे पर एक बार फिर एनडीए सरकार को घेरा है। विपक्ष की लगातार बिहार में एनसीआर की मांग को सिरे से नकारते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर उनकी पार्टी बिहार में विपक्ष के एनआरसी की मांगों को पूरा नहीं होने देंगी। बिहार में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा, हम इसका भरपूर विरोध करेंगे। हमारी पार्टी बिहार वासियों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को कहा गैर ईमानदार। उन्होंने शिवानंद तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि वे लालू की पालकी ढोते हुए अब वो उनके बेटों का भी बोझ ढो रहे हैं। जिसके साथ ही शिवानंद तिवारी को मानसिक रूप से कमजोर बताते हुए कहा कि वे जो आज लालू का गुणगान कर रहे हैं, कभी वो कहते थे कि लालू का एक हाथ पैर पर और दूसरा गर्दन पर होता है, वो आज किसी और के साथ ईमानदारी कैसे कर सकते हैं। बिहार के प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर कुमार अरुणोदय को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित विकास कार्यक्रम के दौरान हमें भी पढ़ाओ अभियान के उत्कृष्ट कामों के लिए डॉक्टर कुमार अरुणोदय को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर कुमार ने बताया कि सीएम योगी के हाथों से सम्मानित होने के बाद वे अब और दुगने जोश के साथ काम करेंगे। बिहार लोजपा की प्रदेश समेत सभी जिला इकाई की कमेटियां भंग। बिहार प्रदेश लोक जनता दल ने राज्य सहित सभी जिला इकाइयों से संबंधित कमेटी को भंग कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कोई भी कार्यकर्ता या नेता पार्टी में पद धारक नहीं है। लोजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने इस बात की जानकारी दी है। पशुपति कुमार पारस ने बताया कि राज्य सहित जिला की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। पशुपति कुमार ने यह भी बताया कि दशहरा के बाद नए सिरे से संगठन को दुरुस्त किया जाएगा, साथ ही प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की जाएगी। खेत जोतने के दौरान मिले 19वीं सदी के चांदी के सिक्के। किशनगंज जिले के सुदूर और सीमावर्ती प्रखंड से सटे नेपाल के डाकूपाड़ा गांव में खेत जुताई के दौरान ब्रिटिश कालीन के सैकड़ों चांदी के सिक्के मिले हैं। इस घटना के बाद यह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस जगह से सिक्के मिले हैं वह नेपाल में मेची अंचल अंतर्गत झापा जिले के कुंजीबाड़ी इलाके में आता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय किसान ड्राम ताजपुरिया ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर रहे थे, तभी उसे अपने खेत में मिट्टी से सने कुछ सिक्के दिखाई दिए, जिसको चुनने के बाद किसान को पता चला कि सिक्का चांदी का है। आरजेडी के सुबोध रॉय ने किया गिरिराज का समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किए गए पलटवार से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। सीएम के बयान के बाद गिरिराज सिंह के ट्वीट पर राजद के एमएलसी सुबोध राय ने गिरिराज सिंह के समर्थन में कहा कि गिरिराज सिंह जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखा रहे हैं, अब नीतीश कुमार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सीएम के बयान पर गिरिराज सिंह की तल्ख टिप्पणी पर एनडीए विरोधी दलों को भी बोलने का मौका मिल गया है। जीएसटी काउंसिल की गोवा में हुई 37वीं बैठक के निर्णय में करदाताओं के लिए 2 वर्ष की छूट। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया कि 2 करोड़ से कम की वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिए सरलीकरण कमेटी की बैठक का गठन किया गया है, जिसमें फॉर्म सरल होने के बाद वार्षिक विवरणी दाखिल करने में करदाताओं को आसानी होगी। जिसमें यह भी बताया गया कि 2 वर्ष के लिए इस छूट के दायरों में 4,17,000 कारोबारी हैं शामिल, जिसमें अब बिहार की पहल पर जीएसटी के अंतर्गत 82% करदाताओं को विगत 2 वर्षों तक विवरणी दाखिल से मुक्ति मिलेगी। सड़क सुरक्षा मानकों और कानून के प्रति आम लोगों को जागरूक करने निकली रैली। राजधानी से इंडो नेपाल फ्रेंडशिप कार रैली, जिसे जिलाधिकारी कुमार रवि ने ज्ञान भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग, सुरक्षित ड्राइविंग कौशल को प्रोत्साहन करना है।
इसका आयोजन क्लब द्वारा 17वीं कार रैली प्रतिभागी 21 सितंबर को सिमरा नेपाल से परसा नेपाल तक के बीच दुर्गम सड़कों पर चलाने का प्रशिक्षण प्रतिभागियों द्वारा कार रैली का आयोजन कर किया गया। आर्मी ड्यूटी पूरी कर माही अपने होम टाउन रांची पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी शाम की फ्लाइट से रांची पहुंचने के बाद अपनी पत्नी साक्षी के साथ नई जीप ग्रैंड चेरुकी की सवारी करते नजर आए। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप के बाद आर्मी ड्यूटी पर थे, जिसके बाद से वे रांची नहीं लौटे थे, जिसके बाद कल धोनी अपने होम टाउन पहुंचे, जहां उनकी पत्नी साक्षी एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंची। सोनी चैनल के द कपिल शर्मा शो में पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी इस वीकेंड में आएंगे नजर, जिसके बारे में इन दोनों एक्टरों ने अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें शेयर की, जिसमें मनोज बाजपेयी ने बताया कि पंकज त्रिपाठी ने उनकी चप्पल ले ली थी। दरअसल एक बार पटना के होटल में मनोज अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, जिसके दौरान जाते समय वे अपनी स्लीपर होटल के कमरे में भूल गए। उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी को पता चला तो उन्होंने होटल के लोगों को चप्पल जमा करने से मना कर दिया और उसे अपने पास रख लिया। इस बात को ट्वीट करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा, मनोज भैया, मैंने आपके चप्पल को उपहार के तौर पर रख लिया। केबीसी 11 के 25वें एपिसोड में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा खास मेहमानों के पैनल में मौजूद, जिसकी प्रतिभागी रूमा देवी क्रमवीर प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा ली थी। इसमें सोनाक्षी रूमा देवी का साथ दे रही थी। इसके बीच एक सवाल आया कि हनुमान ने संजीवनी बूटी किसके लिए लाया था, परंतु सेटिस्फाइड न होने के कारण उन्होंने एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन की मदद ली, जिसके बाद सही जवाब लक्ष्मण बताया, जिस पर एपिसोड खत्म होते ही सोशल मीडिया पर सवाल कर लोग उनका मजाक बना रहे हैं कि क्या वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, जिनके पिता के भाइयों का नाम राम, भरत और लक्ष्मण है, उनके घर का नाम रामायण, इसके बावजूद उन्हें नहीं पता कि संजीवनी किसके लिए था। कई लोगों का सेवा आश्रम हुआ आज से बंद। नई दिल्ली के संसद भवन के पास 11A नंबर बंगले कस्तूरबा गांधी मार्ग बलवंत राय मेहता लेन स्थित एक सेवा आश्रम था, जो कि 2014 में मधेपुरा से चुनाव जीतने के बाद सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मिला था, लेकिन 2019 में हारने की वजह से सरकारी बंगले को 24 घंटे के अंदर खाली करने का आदेश आया, जिसके बाद आनंद फानन में पप्पू यादव पटना से दिल्ली पहुंच वहां के रहने वाले लोगों से रोते हुए मिले और सभी से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहा, जिसे उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन अब मुफ्त सेवा बंद करनी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में मतभेद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। वहीं पार्टियां गठबंधन को मजबूत करने की जद्दोजहद में भी लग गई है। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर साफ कहा है कि वह पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को महागठबंधन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन नीतीश से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह ने बयान में कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी के बयान को नॉन पॉलिटिकल बताया। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।